नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल की शुरुआत में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के उन चार बेटों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। वहीं वीर बाल दिवस के मौके पर संस्कृति मंत्रालय प्रश्नोत्तरी और निबंध लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहा है। मंत्रालय ने कहा कि चारों साहिबजादों के साहस और देशभक्ति के साहसिक कार्यों से बच्चों को परिचित कराने और उन्हें प्रेरित करने के उद्देश्य से इस क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। मंत्रालय ने इसके लिए इनामों की भी घोषणा की है। इस प्रतियोगिता में कुल 10 विजेताओं का चयन किया जाएगा, जिनमें से शीर्ष 3 विजेताओं को 25,000, 10,000 और 15,000 की नकद राशि से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा प्रथम उपविजेता चौथे से 13वें स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों में प्रत्येक को 2,000 रुपए की नकद राशि दी जाएगी। बता दें कि इसी साल जनवरी में श्री गुरु गोविंद साहिब जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया था कि यह साहिबजादों के साहस और न्याय स्थापना की उनकी कोशिश को उचित श्रद्धांजलि है। पाकिस्तान और आईएसआई अपने नापाक इरादों से बाज नहीं आ रहा है। बढ़ते कोहरे को देखते हुए आईएसआई अपने ड्रोन भारतीय सीमा के पास सैन्य शिविरों में भेज रहा है। पिछले बुधवार को भी तरनतारन के फिरोजपुर सेक्टर में सीमा सुरक्षा बल ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया था। सुरक्षा बलों के प्रवक्ता ने जानकारी दी। सीमा सुरक्षा बल से मिली जानकारी के मुताबिक आज सुबह भी करीब 7:45 पर अमृतसर सेक्टर में पलमोरन सीमा चौकी के पास ड्रोन का पता चला है। उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्होंने ड्रोन देखा, जवानों ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। फिलहाल ड्रोन को जब्त कर लिया गया और उसकी जांच की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार ड्रोन 6 फुट लंबा है। इसकी बैटरी 25,000 mAh के करीब बताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक यह ड्रोन करीब 25 किलो तक का वजन उठा सकता है। इसके अलावा इसमें खेप के लिए एक रिलीज मैकेनिज्म भी है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत को एक और अहम हथियार मिल गया है। चीन में जारी कोरोना कहर के बीच भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। यह नाक में दी जाने वाली वैक्सीन है और अब नाक में 2 बूंद डालने से ही कोरोना बेअसर हो सकता है। इस वैक्सीन को आज यानी शुक्रवार से टीकाकरण अभियान में शामिल किया जा रहा है और इस कोवैक्सीन और कोविशील्ड ले चुके लोग भी इस वैक्सीन को ले सकते हैं। माना जा रहा है कि सरकार जल्दी से सरकारी अस्पतालों से लेकर मार्केट में उपलब्ध करवा सकती है। इस वैक्सीन को मंजूरी मिलने से अब किसी को वैक्सीन के लिए इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं होगी। वह चाहे तो नाक में 2 बूंद ड्रॉप वाली यह वैक्सीन भी ले सकता है। उत्तरी दिल्ली के भलसवा डायरी इलाके में एक बार फिर से दरिंदगी को अंजाम दिया गया। दरअसल यहां करीब 5 साल की एक लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुलिस को आरोपियों के बारे में सुराग मिले हैं और उन्हें अगले 24 घंटे में गिरफ्तार करने की उम्मीद है। अधिकारी ने बताया कि बच्ची का अपहरण उस वक्त किया गया जब वह अपने घर के पास खेल रही थी। अधिकारी ने कहा कि बच्ची का पता लगाने के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था। इसके अलावा मस्जिद के लाउड स्पीकर से भी घोषणा कराई गई थी और बच्ची की एक तस्वीर सभी पुलिस अधिकारियों को प्रसारित की गई थी। पुलिस टीम ने बच्ची को ढूंढ लिया है और उसे कानून के अनुसार मेडिकल जाँच के लिए ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने यौन उत्पीड़न की पुष्टि की। वहीं अब खबर के बाद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। चीन में कोरोना को लेकर मचे हाहाकार के बीच भारत सरकार भी अब एक्शन मोड में आ चुकी है। भारतीय एयरपोर्ट्स पर कल यानी शनिवार से कोरोना की रैंडम सैंपलिंग शुरू हो जाएगी और इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार ही उठाएगी। चीन समेत अलग अलग देशों में कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। योगी सरकार के निर्देश के बाद राजधानी लखनऊ में कोविड प्रोटोकॉल को लागू करवाने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर राजधानी के अस्पतालों में सतर्कता शुरू हो गई है। अस्पतालों में बिना मास्क के मरीजों और तीमारदारों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल के पालन के लिए अस्पतालों में अनाउंसमेंट कराकर जागरूक किया जा रहा है। दरअसल सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में रोजाना 3 से 4 हजार मरीज आ रहे हैं और 80 से 90 मरीज इमरजेंसी में भर्ती किए जा रहे हैं। लिहाजा अब यह नई एडवाइजरी जारी की गई है। उधर लखनऊ पीजे में भी बिना मास्क के एंट्री नहीं होगी। साथ ही स्वास्थ्य कर्मी और सफाई कर्मियों के लिए भी मास्क पहनना जरूरी हो गया है।
पांडवों की राजधानी माने जाने वाले हस्तिनापुर के पास भवाना में सुरंगनुमा आकृति मिली है। तकरीबन 10 से 12 फीट गहरी इस सुरंगनुमा आकृति को देखकर लोग हैरत में हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुरंगनुमा आकृति का रिश्ता महाभारत काल से हो सकता है। इस स्थान पर सुरंगनुमा आकृति मिली है उसे पक्का तालाब कहा जाता है। पक्का तालाब के बारे में भी महाभारत में कई कहानियां बताई जाती हैं और इसी पक्का तालाब में नगर पालिका परिषद भवाना सौंदर्यीकरण का कार्य कर रहा था, तभी खुदाई के दौरान सुरंगनुमा आकृति मिली है। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI इस पड़ताल में जुट गई है कि आखिर इस सुरंगनुमा आकृति का राज क्या है। अधिकारियों ने पक्का तालाब पहुंचकर सुरंगनुमा आकृति का वैज्ञानिक अध्ययन किया है। अधिकारियों ने बताया कि इस आकृति की कार्बन डेटिंग कराई जाएगी। गुजरात सरकार ने कहा कि दुनिया में भगवान कृष्ण की सबसे ऊंची प्रतिमा द्वारका शहर में देवभूमि द्वारका कॉरिडोर के हिस्से के रूप में बनाई जाएगी। इसके पहले चरण पर काम अगले साल सितंबर में शुरू होने की उम्मीद है। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने आज गांधीनगर में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह घोषणा की। पटेल प्रदेश सरकार के प्रवक्ता भी हैं। देवभूमि द्वारका जिले के द्वारका में भगवान कृष्ण की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्थापित करने के अलावा द्वारकाधीश मंदिर के लिए प्रसिद्ध शहर में एक 3D इमर्सिव एक्सपीरियंस जोन व श्रीमद् भागवत गीता अनुभव क्षेत्र भी बनेगा। पटेल ने कहा कि भाजपा सरकार ने इस क्षेत्र को पश्चिम भारत का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र बनाने के लिए देवभूमि द्वारका कॉरिडोर विकसित करने का फैसला किया है। पटेल ने यह भी कहा कि इस परियोजना के पहले चरण में हम एक दर्शक दीर्घा बनाने की भी योजना बना रहे हैं जहां से लोग प्राचीन द्वारका शहर के अवशेष देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम अगले साल सितंबर में भूमि पूजन करने के बाद पहले चरण के लिए काम शुरू करने की उम्मीद कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार की सुबह मौसम की सबसे सर्द सुबह रही। अब पारा 5.3 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक शुक्रवार सुबह दिल्ली के आसमान में कोहरे की हल्की परत छाई रही, जिससे दृष्टिता घटकर 500 मीटर तक रह गई। विभाग ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी के प्रमुख केंद्र सफदरजंग वेधशाला में न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री कम है। यह दिल्ली में इस साल ठंड में दर्ज किया अब तक का सबसे कम तापमान है। IMD के अनुसार पालम हवाई अड्डे पर सुबह 5:30 बजे सबसे कम दृश्यता 200 मीटर दर्ज की गई। वहीं सफदरजंग हवाई अड्डे पर सुबह 5:30 बजे दृश्यता घटकर 500 मीटर रह गई। मौसम विभाग ने बताया कि बहुत घना कोहरा होने के कारण 0 से 50 मीटर के बीच दृश्यता होती है और वहीं घना कोहरा होने पर दृश्यता 51 से 200 मीटर, मध्यम कोहरा होने पर 201 से 500 मीटर और हल्का कोहरा होने पर 501 से 1000 के बीच दर्ज की जाती है। IMD के मुताबिक आज शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। दिल्ली सरकार के सभी विद्यालयों में 1 जनवरी से 2 सप्ताह का शीतकालीन अवकाश होगा। शिक्षा निदेशालय ने एक परिपत्र जारी कर यह जानकारी दी। DOE ने बताया कि हालांकि पाठ्यक्रम को दोहराने और विद्यार्थियों के सीखने के स्तर और उनके अकादमिक प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए 2 से 14 जनवरी तक विशेष अकादमिक सत्र का आयोजन किया जाएगा। परिपत्र में कहा गया कि शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी विद्यालय 1 जनवरी से 15 जनवरी 2023 के दौरान शीतकालीन अवकाश के लिए बंद रहेंगे। इसमें कहा गया कि पाठ्यक्रम को दोहराने और छात्रों के आत्मिक प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए 2 से 14 जनवरी तक विशेष कक्षाएं संचालित की जाएंगी। इन कक्षाओं के माध्यम से विद्यार्थी परीक्षा के दृष्टिकोण से विषयों की बुनियादी अवधारणाओं को दोहरा पाएंगे। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज़।